रेडियंट कलीसिया के सभी विश्वासियों को और सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मधुर नाम से प्रेम भरा नमस्कार। हालेलुया। एक बार फिर से आज की इस ऑनलाइन आराधना सभा में आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम आज के इस सभा को आरंभ करें, हम एक वचन पढ़ेंगे और एक प्रार्थना के द्वारा हम आज की इस सभा को आरंभ करेंगे। भजन संहिता 125 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा को अब से लेकर सर्वदा तक घेरे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा यहोवा हमको सुरक्षित अपने पंखों के नीचे घेर कर रखने वाला परमेश्वर है। और वचन कहता है कि सदा तक, जैसे यरूशलेम को पहाड़ियों ने घेरा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर यहोवा सदा सदा के लिए अपने लोगों को घेरे रहेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। आइए हम ऐसे जीवित प्रभु की महिमा सच्चाई और आत्मा से करें। यीशु मसीह के नाम से हमें ये अधिकार दिया गया है कि परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें और हम उस समय का जो है उपयोग करते हुए हम परमेश्वर की ऐसी महिमा करेंगे जिसके कि वो लायक है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हमारे मुक्ति की चट्टान, हमारे छिपने का स्थान, प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपके नाम से एक बार और हमें मौका दिया गया कि हम आपके नाम से मिलकर आपकी उपासना और महिमा करें प्रभु। और हम आज का ये पूरा सभा का प्रभु जी कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित करिए, आप प्रभु जी महिमा पाएं और प्रभु जी हमारे मुख का वचन और हमारे गीतों का गाना सब कुछ आपकी महिमा का कारण हो सके। जहां कहीं भी आपके नाम से लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी, अलग अलग प्रभु जी स्थानों पर, ऑनलाइन सभाओं के द्वारा जो जहां पर आपकी महिमा की जाती है, वहां पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति से अपने लोगों को भरिए और हम सबकी अपने आत्मा के द्वारा सहायता करिए ताकि हम आपकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। हर एक बंधन तोड़े जाए, हर एक प्रभु जी शैतान की गढ़ हिलाए जाए और हम प्रभु जी आपके स्वतंत्रता में आगे की ओर बढ़ते चल जाए। सारा धर्म में आपको देते हुए इस आराधना सभा को आपको कोई हाथ में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
बुद्धि को परमेश्वर पाल आसानी भरोसा को परमेश्वर पाल पवित्र तोग्य प्रभु
प्रभु मुक्ति दाता र छिमो दाता पर्नुहुन्छ।
हाम्रो प्रभु ज्ञान र बुद्धिको भण्डार हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो प्रभु सदा र सर्वदा एकै प्रेम एउटै आस्था दिने पाउँछ हुनुहुन्छ। युवामा जीवन छ, अनि मुक्ति छ, आशा छ, जीवन छ, कि परमेश्वरमा कुनै कुराको असम्भव छैन। कि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई जस्तो व्यक्ति तपाईँले बनाउनु भयो, चुन्नु भयो, कुनै अन्धकारबाट ज्योति बनाउनु भयो, लडेको तपाईँलाई सहारा दिनुभयो, एक्लोमा आशा दिनुभयो, दुर्बलमा तपाईँलाई बल दिनुभयो। कि प्रभु तपाईँलाई लाग्नु धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा होस् यो पवित्र दिनमा र यो समयमा। र जसजनालाई प्रभु आज तपाईँको नाममा अनलाइन भइरहेका छौँ, जसजनाको दास हजुरहरू यहाँ बसिरहेका छन्, प्रत्येकको साथमा तपाईँ आउनुहोस् र प्रत्येकको समस्याहरूमा तपाईँले आशाहरूस् र हरेक समस्याहरू तपाईँले दूर गरिदिनुहोस्, अनि हरेक दुःख र कसमा परेको तपाईँले आशाहरू बजाउनु तपाईँ तपाईँको व्यक्ति गर्दछौँ। र जति पनि रोगी बिमारीहरू छ तपाईँको नाममा चङ्गाई भएको म घोषणा गर्दछौँ। र बाबु कुनै रोग अनि कुनै बिमारले पनि बाबु जसरी आज हेरिरहेका छन् प्रत्येक तपाईँले आफ्नो भरि राख्नु हेर्नुहोस् सम्भावनासँग तपाईँमा व्यक्ति गर्न चाहन्छौँ। र धन्यवाद गर्छु प्रभु तपाईँलाई आजका कामले भोजन कर्जहरूबाट हामीले बजार प्रत्येक दुर प्रत्येक थालीहरूबाट तपाईँ स्वर गएर सिंहासनमा विराजमान भएको छ भने म विश्वास गर्दछौँ। र प्रभु तपाईँ हाम्रो राजा र हाम्रो परमेश्वरलाई लाखौँ लाखौँ धन्यवाद हुँदै र पवित्र दिन र सबसम्म तपाईँको हातमा समर्पित गर्न चाहन्छौँ। र पछि प्रभु बाँकी रहेका भाग र सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँका दासलाई तपाईँको हातमा समर्पित गर्न चाहन्छौँ। उहाँले बोल्ने शब्द अनि अर्थमा तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहोस् र उहाँलाई तपाईँलाई चलाउनु सुन्दै यो पवित्र दिन असल समय यो मौका र तपाईँको हातमा समर्पित गर्न चाहन्छौँ। र बाँकीको समय भएको तपाईँको हातमा लाँदै छोटो आशिष मान्न चाहन्छौँ। उच्च अनि पवित्र हामीलाई माया गर्ने हामीलाई प्रेम गर्ने हाम्रो जीवनदाता हाम्रो मुक्तिदाता मेरो भविष्य ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसे। हाम्रो नेपाली मण्डली परिवारलाई म रोमी 8:28-39 पद पढ्नेछु। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जस जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ भने तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप शासन बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ जेठो होइन भनेर अघिबाटै नित्र गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नित्र गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जस जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जस जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। हामीले यसमा के भन्ने त यदि परमेश्वरले हामी तरफ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धको हुन्छ। जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, र उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन, र परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा जसले अभियोग लगाउने छ धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त ख्रीष्ट येशु हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुली तरफ हुनुहुन्छ, र हाम्रा निम्ति मुख्य पनि हुनुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न के संकटले अथवा दुःखले वा
खेदोले वा अनिकालले वा नग 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 नगताले अथवा खराब खरा खतराले वा खतर तरवारले वा यस्तो देखिएको छ यस्तो देखिएको छ तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ होइन यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नु हुने द्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझै बढी छौँ किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मुक्तले वा जीवनले स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले वर्तमान कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले उचाइले वा गरी गर यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर जा सकते हैं और परमेश्वर का जो वो जीवित वचन जो उन्होंने हजारों हजारों पीढ़ियों तक के लिए स्थापित किया है हमारे जीवन में बदलाव आता है लेकिन जो प्रभु का वचन है वो सदा के लिए स्थापित किया गया है और जो प्रभु का वचन है उसके द्वारा जो है हम परमेश्वर के विचारों को परमेश्वर के हृदय को परमेश्वर के जो योजना है उनको समझते हैं तो आइए आज के इस वचन में जाएंगे आज का जो वचन है वो उसके लिए जो वचन का जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है रोमियो उसका अध्याय 8 उसका 31 पद से 39 पद तक इस भाग को जाने से पहले हम 8 अध्याय के जो पहले हिस्से में हम लोगों ने देखा है उसको हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि जो पहले 30 पद में किस प्रकार से पौलुस ने अपने पवित्र आत्मा के विचार अगुवाई में होकर के किस प्रकार से विचारों को जो है यहाँ पर प्रकट किया है रोमियो अध्याय 8 के स्टार्टिंग में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पौलुस कहते हैं कि अब जो पवित्र आत्मा के द्वारा अब जो है हम दंड से जो है मुक्त कर दिए गए हैं जो पापों का दंड है जो पापों की मजदूरी है अब हम पर वो दंड की आज्ञा नहीं है अब हम पापों की मजदूरी से बचा लिए गए हैं और 4 पद से 11 पद तक में लिखा है कि अब हमारे को एक नई अभिलाषाएं नई इच्छाएं हमारे अंदर पैदा हुई हैं पहले जो बुरे काम करने के लिए जो हमारी इच्छाएं थी अब वो इच्छाएं मर गई हैं क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न करते हैं और उन अभिलाषाओं के द्वारा हम जो है अच्छे विचारों की ओर अच्छे कार्यों की ओर अपना मन लगाते हैं बुराइयों की ओर से हमारा मन धीरे धीरे क्या होता है हटता चला जाता है और 8 के 11 पद से 17 पद तक में दिखा गया कि किस प्रकार से आत्मा के द्वारा हम एक नया जीवन जी सकते हैं और आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को पिता और अब्बा कहने के लिए जो है हमें हियाव दिया गया है अब हमें एक लेपालकपन की आत्मा को दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा और अब हम पिता को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारने का हियाव रखते हैं और 18 पद से 25 पद तक ये कहा गया है कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हमें एक उभारा जाता है कि अपने छुटकारे के दिन तक के लिए हम हियाव बांधे रहें और हम निराश ना हो हम जो है हमारी शरीरों का और प्राण का और आत्मा का जो है एक समय आएगा जबकि छुटकारा किया जाएगा और पवित्र आत्मा उस समय तक हियाव बांध कर उस समय का इंतजार करने के लिए हमारी सहायता करते हैं और 26 पद और 27 पद में लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं जब हम निराशा में आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं जिनके मार्गदर्शन से जिनकी अगुवाई में हम प्रार्थना ऐसी कर सकते हैं जो वर्णन से बाहर है और
28 से लेकर 30 पद, जिसको कि मेरे अनुसार 8वें अध्याय का निष्कर्ष भी कहा जा सकता है, और पूरे 8 अध्याय का, जिसमें कि जो है एक बहुत विशेष शिक्षाएं सुसमाचार के संबंध में विशेष शिक्षा दी गई है, उसका भी निष्कर्ष कहा जा सकता है। और यहां पर कहा गया है कि क्या कोई ऐसी बात है कि कोई हमें क्या कहते हैं निराश कर सकती है। 28 में क्या लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रीति रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। यानी कि अब जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए गए हैं उनके लिए सभी बातें, चाहे वो बुरी भी क्यों ना हो, वो भलाई को उत्पन्न कर सकती हैं। अर्थात उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में और प्रभु यीशु मसीह की समानता में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके आगे कंडीशन लिखी गई है, अर्थात उनके लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। यानी कि जो भलाई उत्पन्न हो रही है वो उनके लिए हो रही है जो बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए। और यदि आप उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे चुके हैं तो निश्चित रीति से आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर सब बातों में उन भलाई के चीजों को उत्पन्न करेंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब जो है हम अपने आज भाग में आते हैं कि इन बातों के कौन सी बातों के, इन बातों के जो 8वें अध्याय में पहले लिख दी गई और जो 1 अध्याय से 8वें अध्याय तक लिख दी गई, उन बातों के, सभी बातों के संदर्भ में, सभी बातों के प्रकाश में अब पौलुस, संत पौलुस कहते हैं अब इन बातों में के विषय में हम क्या कह सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि ये उचित होगा कि हम पहले अध्याय से 8वें अध्याय तक की भी मेन विषयों को भी हम छू के देखें कि उसमें क्या बताया गया है। तो पहले अध्याय से 3रे अध्याय तक ये बताया गया है कि हम सब पापी हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उस विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के सामने एक सही संबंधों के साथ खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर के सामने एक सही रिलेशन, सही रिश्ते में आ जाते हैं परमेश्वर के साथ। दोज हु बिलीव इन क्राइस्ट जीसस दे कम इन द राइट स्टैंडिंग विद गॉड। और चौथे अध्याय में क्या बताया गया, ये अब्राहम के जीवन से बताया गया है कि जो विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहरा जाते हैं, क्योंकि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, ना कि व्यवस्था पालन के द्वारा। और इब्रानी उसका उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और 6 पद को आप जानते हैं, बहुत से लोगों ने आप में से याद भी किया होगा कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर जो उत्पत्ति 12 अध्याय में दी गई हैं, उन सब बातों पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। और ये विश्वास जो है, ये जो भरोसा उसने परमेश्वर पर रखा, ये उसके लिए क्या गिना गया, धार्मिकता गिना गया। तो पुराने नियम में भी व्यवस्था के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता था। और फिर 5वें अध्याय में देखते हैं पहले आदम और दूसरे आदम की उपमा दी गई है। पहले आदम अर्थात हमारे संसारिक आदि पिता और माता, जिनमें सब लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को आत्मिक रीति से उनकी देह में सहभागी कर लेते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के देह में ना केवल मारे जाते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा वो लोग भी अनंत जीवन के लिए उठाए जाते हैं। और ना केवल ये लेकिन वो कह देता है कि प्रभु यीशु मसीह के 5:11 रोमियो 5:11 में कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा क्या कर दिया गया है, तुम्हारा पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, अब जो है तुम परमेश्वर के बैरी नहीं हो। और 6 से लेकर 8 अध्याय में हम देखते हैं कि आत्मा के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अब एक आत्मिक जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं।
और इन सारे बातों के विषय में अब कहते हैं कि अब हम इन बातों के विषय में क्या कह सकते हैं, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। और पौलुस चार सवालों को यहां पूछते हैं, चार विभिन्न सवालों को पूछने के द्वारा वो हर एक ऐसी परिस्थितियों को कैच कर लेते हैं, हर एक ऐसी परिस्थितियों को कवर कर सकते हैं जो आप और मैं संसारिक जीवन में रहते हुए अनुभव करेंगे। यानी कि वो चार ऐसे सवाल हैं जिसमें आपके और मेरे जीवन की, संसारिक जीवन की सारी परिस्थितियां जो हैं उसमें कवर कर ली गई हैं। और पहला सवाल क्या है 31 पद में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। दूसरा सवाल यह है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। तीसरा सवाल यह है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। और चौथा सवाल यह है कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा। और जाहिर बात है कि इन सभी चीजों का सवाल, सभी सवालों का उत्तर क्या है, कोई भी नहीं। कोई हमें परमेश्वर, हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता, पहले सवाल का उत्तर। दूसरे सवाल का, हम पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। तीसरे सवाल का उत्तर, हम पर कोई भी दंड नहीं, दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। और चौथे सवाल का उत्तर, हम पर, हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और आइए हम इन चारों सवालों को हम संक्षिप्त में देखेंगे कि इसमें हम क्या चीजें सीख सकते हैं। पहले सवाल में लिखा गया, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो यहां पर पौलुस इस बात को मानकर चल रहा है कि परमेश्वर हमारी ओर है। तो आप पूछ सकते हैं पौलुस को इस प्रकार का निश्चय कैसे हुआ, उसको कैसे मालूम पड़ा कि परमेश्वर हमारी ओर है। तो इसका उत्तर यह है कि वो जानता है कि क्रूस इस बात का सबूत है, जो क्रॉस है वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमारी ओर है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का कर्ज चुकाने के लिए, हमारी पापों की मजदूरी को चुकाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को 2020 वर्ष पहले संसार में भेज दिया, ताकि उनकी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का कर्ज चुकाया जा सके। और बाइबल वचन कह देता है, परमेश्वर का वचन कह देता है कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, परंतु उसको एक सिद्ध बलिदान करके इस संसार में दे दिया, ताकि समूचे मानव जाति के पापों का वो बोझ उठा सके, तो परमेश्वर का वचन पूछते हैं कि अब परमेश्वर और कौन सी भली वस्तु को आपके और मेरे जीवन से दूर रखेंगे। यानी कि कोई बड़ी चीज को जब परमेश्वर ने कर दिया तो क्या छोटी चीज आपके और मेरे लिए नहीं करेंगे। इसीलिए इस निश्चय के साथ, जो क्रूस से, क्रूस के अनुभव से के द्वारा जो हमें निश्चय दिया गया है, उस निश्चय के द्वारा एक कॉन्फिडेंस प्राप्त करके परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि कौन है, कि कौन है जो हमारे विरोध में हो सकता है। कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो है, जब उसने हमें मसीह में सब कुछ दे दिया, तो अब हमें और कुछ, हम, हमारे को कुछ अच्छी वस्तुओं से परमेश्वर क्यों हमसे दूर, हमें दूर रखेंगे। इसलिए आपको और मुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सबसे प्रिय था पिता परमेश्वर का, जब पिता परमेश्वर ने उसको भी हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, तो अब आपको और मुझे अपनी अच्छी आशीषों से क्यों दूर रखेंगे, राइट? दूसरे सवाल में जाएंगे, यहां पर है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जो एक ऐसा एक न्यायालय का एक चित्रण अपने दिमाग में कल्पना करिए, परमेश्वर पिता वहां पर विराजमान है, और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के विरोधी अर्थात शैतान है। और अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि शैतान जो है डोलता डालता जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जो है वो अय्यूब के ऊपर दोष लगाता है और कहता है कि आपने, क्योंकि उसको इतना आशीषित किया हुआ है, इस वजह से वो आपका उपासना करता है, आपने उसे सब प्रकार की आशीषें दी हैं, इस वजह से वो आपका भय मानता है। तो यानी कि उसने क्या किया, उसने अय्यूब के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर क्या किया, दोष लगाया। और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक है, तो उसमें 12:10 में उसको किस तरीके से उसको संकेतित किया गया है, उसको संकेतित किया गया है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। क्यों? क्योंकि उसका जो एक बहुत बड़ा कार्य है, उसमें से एक प्रमुख कार्य है कि वो दोष लगाने वाला है, वो परमेश्वर के
लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला है। लेकिन जब वो दोष लगाता है तब उसी तरफ दूसरी उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इनके सभी दोषों जिन पर दोष लगाया जा रहा है अर्थात जो मसीह यीशु के हैं उनके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके सारे पापों का दंड उठाया जा चुका है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जब शैतान आपके ऊपर उंगली उठाता है तो प्रभु आप पिता से कहते हैं कि इसके सारे गुनाहों की सजा मैं उठा चुका हूं, और इसके कारण प्रभु यीशु मसीह के वचनों के कारण पिता का जो फाइनल जो डिसीजन होता है, जो फाइनल जजमेंट आता है, जो फाइनल वर्ड आता है परमेश्वर पिता की तरफ से, वो आता है कि मसीह यीशु के ऊपर ईमान करने वाले सभी लोग क्या कर दिए गए हैं, बरी कर दिए गए हैं, वो निर्दोष हैं क्योंकि अब उनके पाप का जो है दंड पहले ही से उठा लिया गया है, यीशु मसीह के द्वारा उनके पापों की सजा को उठा लिया गया है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यही चीज जो है आप रोमियो 8:34 में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है हमारे लिए निवेदन करते हैं। और इस प्रकार की जो एक मध्यस्थता की सेवकाई है उसके बारे में हमें इब्रानी की पुस्तक उसका 4:14-16 उसमें और अधिक हमें जानकारी मिलती है, हमें प्रकाशन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से एक मध्यस्थ के रूप में, एक महायाजक के रूप में आपके और मेरे लिए जो है निवेदन करते हैं, और मध्यस्थता के रूप में हमारे लिए जो है एक वकालत करते हैं। और जब शैतान हम पर दोष लगाता है तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, इन पर दोष लगाया नहीं जा सकता क्योंकि इनके सभी पापों को लिए जो है मैंने अपने जान को दे दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के मरने से, प्रभु यीशु मसीह की सजा को उठाने से जो है अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और ये चीज जो है ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो है अब हमको दोषी नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर हमको एक ऐसे विश्वासी के रूप में देखते हैं जो कि एक संत हो, जिसने की कोई जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई दंड की आज्ञा जिसके ऊपर ना हो। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण है जो यीशु प्रभु ने हमारे और आपके लिए क्रूस पर किया था 2020 वर्ष पहले। और तीसरा सवाल ये आता है कि फिर कौन है जो दंड की आज्ञा, कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। तो यहां पर भी जो है एक 33 और 34 पद में लगभग समांतर सा सवाल पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो भाव है, ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पर जो भाव है ये उन मनुष्यों की ओर है जो शैतान के समान ही विश्वासियों के ऊपर दोष लगाते हैं, क्योंकि हम मानव जाति जो है उसके अंदर एक पाप का स्वभाव है और उस पाप के स्वभाव के कारण एक दोष लगाने का स्वभाव भी अपने आप ही हमारे अंदर विद्यमान है। दोष लगाने का स्वभाव हमें सीखना नहीं पड़ता, ये हमारे अंदर पाप के स्वभाव के कारण उसका एक परिणाम ये भी है कि हमारे को दोष लगाने का एक हृदय हो जाता है, और आसानी से जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कर देता है, दोष लगा देता है। परंतु बाइबल कहती है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी शैतान के एक तरीके से प्रभाव में आकर के, पापी स्वभाव के प्रभाव में आकर मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस के ऊपर भी दोष लगाया गया, पौलुस के जीवन पे भी, उसके प्रेरिताई के विषय में उस लोगों ने उसके ऊपर शक किया। जब आप 2 कुरिन्थियों 10:10 पढ़ेंगे तो कहा गया कि ये एक जो है सच्चा प्रेरित नहीं है क्योंकि इसके लिखने में और इसके बोलने में जो है अंतर है, ये एक ढोंगी इंसान है। परमेश्वर के इतने बड़े दास के विषय में भी ऐसा बोला गया, और जब उसका कुरंथियों में आने का जो प्रोग्राम है वो स्थगित हो गया तब उसके लिए बोला गया कि ये जो है आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यदि ये आत्मा के अनुसार चलता तो इसका प्लान जो है कुरंथियों में आने का प्लान बदलता नहीं। इसके बारे में आपको 2 कुरिन्थियों 1:15 से आगे तक के कुछ आयतों में इसका आपको संकेत मिलेगा कि उसके ऊपर दोष लगाने वाले लोग थे, और इसीलिए पौलुस को जो है बताना पड़ा कि ऐसा नहीं है जैसा आपने मुझ पर दोष लगा दिया
कि मैं आत्मा के अनुसार नहीं चलता हूँ, लेकिन वो कहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही चलने वाले लोग हैं। तो हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं कि लोगों ने उसको क्या किया, दोषी ठहराया। और दुख तब होता है जब मसीह के लोग ही आपस में एक दूसरे को दोषी ठहराएं। अगर मसीह विरोधी लोगों के द्वारा दोष लगाया जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन जब आपके अपने लोग आपको दोषी ठहराएं और आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाएं, आपके चरित्र का हनन करें, तब उसके द्वारा आपके जीवन में क्या आता है, एक बहुत दुख और बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिला देता है कि इन सब बातों में जो है अब हम परमेश्वर के द्वारा क्या ठहरा दिए गए हैं, यीशु मसीह के द्वारा अब हम निर्दोष करार किए गए हैं, हमें निर्दोष ठहराया गया है, अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या बोल रहे हैं, बनिस्बत आपको इस बात का ध्यान रखने के कि लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। लोगों ने आपके लिए जान नहीं दी, लोगों ने आपके लिए खून नहीं बहाया, जिसने आपके लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया, आपको उसके वचनों को ध्यान रखना है। और उनके वचन ये कहते हैं कि अब जो है मैं तुमको दोषी नहीं ठहराता हूं। हालेलुया। इंसान आपको कुछ भी बोल सकता है, इंसान गुस्से में आकर आपको कुछ भी बोल सकता है, इंसान आपके आपसे जलन में आकर कुछ बोल सकता है, इंसान आपकी हानि पहुंचाने के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और उन्होंने बोल दिया है कि अब जो मुझमें है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। लेकिन इसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर दंड की आज्ञा नहीं है तो क्या हम अपनी मनमानी से अपना जीवन बिताने लगे? नहीं। इसके लिए पौलुस ने पहले ही से 6 अध्याय में बोल दिया गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में सहभागी हो जाते हैं, ताकि वो अब अपने आप के लिए या अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए ना जिए, लेकिन प्रभु के लिए एक नया जीवन जी सके। हालेलुया। और रोमियो का 8 और 14 में बोल दिया गया है कि जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। तो जो निर्दोष ठहराया गया है वो इसलिए नहीं ठहराया गया कि आप पाप करते रहें या हम पाप में जीवन बिताएं, लेकिन निर्दोष ठहराने का कारण उद्देश्य क्या है कि अब हम एक नए जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन को आगे बिता सकें। हालेलुया। और चौथा सवाल यहां पर कहा गया है कि 35 पद में कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा, यानी कि अब जो है पौलुस एक ऐसी परिस्थितियों को लाता है और ऐसी ताकतों को ला सकता है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, मुझे सामना करना पड़ सकता है। और इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि आपको और मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। देख सकते हैं हम कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको और मुझे अपने जीवन में सामना करने पड़ सकती हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्या क्लेश, क्या संकट, क्या सताव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या मृत्यु। ये सारी परिस्थितियों में जिसमें हम और आप अपने जीवन में इनका सामना कर सकते हैं, इन सारी परिस्थितियों में हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और आगे पौलुस परमेश्वर के दास कह देते हैं, और हमें निश्चय है न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न शक्तियां न ऊंचाई न गहराई न कोई सजी हुई वस्तुएं, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में हमें प्रकट किया गया है उससे हमें अलग कर सकती हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम जो हमारे हृदय में उंडेला गया है। और आज के संकट के समय में जबकि COVID-19 का बहुत बड़ा कहर है, लोगों के दिल में डर है, परिवारों में मौतें आ रही हैं। अभी मैं देख रहा था एक छोटा सा YouTube में वीडियो, उसमें एक व्यक्ति की कहानी थी जो लाशों को जो है कब्रिस्तान में गाड़ता है। वो कह रहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतने लोगों को नहीं गाड़ा होगा। और वो लोगों को लोग आ रहे हैं, कोई अपनी भाई को लेकर के आ रहा है, कोई अपने बेटे को लेकर आ रहा है, कोई अपनी बहन को लेकर आ रहा है, कोई अपने पिता को लेकर आ रहा है, और इतनी जगहों में मौत है। लेकिन हम क्या इस वचन के आधार पर क्या देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हर एक परिस्थिति में
हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की प्रेम भरी उपस्थिति हमारे साथ साथ और संग है। इसलिए आपको और मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उपस्थिति के द्वारा हम हर वस्तु का, हर ताकत का और हर परिस्थिति का हम यीशु मसीह के प्रेम में होकर के सामना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में है और कह दिया गया है कि इस जीवन में और जीवन के बाद भी जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो अनंत जीवन दिया है, उसकी जो उनकी जो आगमन की, उनके मृत्यु के जो लाभ है, जो विश्वासियों को दिया गया है, वो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, लेकिन अनंत काल तक उसका प्रभाव पड़ता है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम ना केवल इस संसार में लेकिन अनंत काल के लिए सुरक्षित किए गए हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा हम हमेशा के लिए बचा लिए गए हैं, ताकि निरंतर हम परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रेम भरे संगति में बने रहें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, निराश ना हो, हताश ना हो, जब कोई आपके ऊपर दोष लगाता है, जब कोई आपके ऊपर आपको बुरा बोलता है, जब आपके जीवन में संकट मुसीबत आती है, गरीबी आती है, कोई और संकट आता है, आपको और मुझे क्या कहना है? हमें आनंदित रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना है और कहना है, परमेश्वर धन्यवाद हो क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, और जब तक प्रभु आपके और मेरे साथ है तो हमें और किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए अपने आप को हम इस बात से प्रोत्साहित करें और प्रभु के साथ आगे की ओर बढ़ें। जो भले काम हमें करने हैं वो कामों को हम करते रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, इस संदेश के लिए जो आपके वचन से हमें दिया गया है और हमें याद दिलाता है परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, आपका प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि इस कलीसिया में, हमारी रेडियंट कलीसिया में और पूरे विश्वव्यापी सभी कलीसियाओं में आपकी प्रेम भरी उपस्थिति पाई जाए और हम सब प्रभु जी निराशा में ना हो लेकिन आशा में बने रहकर आपके भलाई में, आपके प्रेम में आगे चलते चले जाएं और अपनी इस जीवन की यात्रा में प्रभु जी आपके योजनाओं को पूरा कर सकें और आपकी महिमा का कारण बन सकें। आज के इस संदेश की रखवाली करें, इसके द्वारा हम सब आशीष पाएं और आपके प्रेम को और गहराई से जान सकें। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, शालोम।